नमस्कार दोस्तों, आज मैं वीडियो की शुरुआत में ही बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया जय हिंद जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में हमारे देश के जवानों के लिए। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि कैसे हमारे देश के आर्मी सोल्जर्स -40 डिग्री में रहते हैं सियाचिन और लद्दाख के एरिया में, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और नॉर्मल इंसान लोग तो एक मिनट भी खड़े नहीं हो सकते। लेकिन हमारे देश के जवान हमेशा हमारे देश की रक्षा और बॉर्डर की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, और ऐसी ठंड को झेलने की ताकत और जज्बा हर किसी में नहीं होती दोस्तों। ऐसे ठंड में चाइनीज सेना की हालत ख़राब होना चालू हो गई है, और वो हमेशा हमसे जो युद्ध करने की बात करते हैं, अब स्नो एरिया में उनकी हालत ख़राब होना शुरू हो चुकी है। इसलिए अब चाइना ने अपने PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी को रोबोट का सहारा दिया है। 8888 ऑटोमेटिक शॉरक्लॉ व्हीकल्स तिब्बत में तैनात किया है लद्दाख बॉर्डर एरिया में, और मूल 200 नामक 120 ऑटोमेटिक व्हीकल भी भेजा है, जो कि 50 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है और 200 केजी का एनिमेशन और वेपन्स एक बार में अपने साथ ले जा सकती है। और VP-22 माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, जो कि 15 आदमियों को एक साथ ले जा सकता है। और फिलहाल चाइना ने टोटल 77 VP-22 तिब्बत भेजा है, जिसमें से 47 इंडियन बॉर्डर पर तैनात है दोस्तों। और तो और दोस्तों, Linux 200 ऑल टेरेन व्हीकल जो हर जगह चल सकती है, उसे भी चाइना ने तिब्बत में भेज दिया है लद्दाख बॉर्डर पे, जो कि 15 सोल्जर्स को एक साथ ले जा सकती है। जैसे कि 150 व्हीकल्स ऐसे लद्दाख बॉर्डर पे तैनात किए जा चुके हैं चाइना के द्वारा। अब देख के तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी सेना ने जो ट्रेनिंग की है और जिस डेडिकेशन के साथ बॉर्डर पे वो खड़े हैं हमारी सुरक्षा के लिए, उन सभी जवानों को तहे दिल से सैल्यूट करता हूं मैं। क्योंकि जब तक इंडियन आर्मी बॉर्डर पे है, हम सब चैन से अपने घर में रह सकते हैं बिना किसी टेंशन के। सैल्यूट है इंडियन आर्मी को, और ऊपर वाले से दुआ मांगता हूं कि हमारे जवानों को हौसला दे, हमेशा वो सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। एक लाइक तो बनता है दोस्तों हमारे इंडियन आर्मी के लिए। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय जवान जरूर लिखें इंडियन आर्मी के सम्मान में।